जी हाँ, आप इंस्टाग्राम पर रील्स बना के हजारों लाखों रुपए कमा सकते हो। वो कैसे, मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। और इंस्टाग्राम रील्स कैसे बनाते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो उससे पहले आप मेरा नाम जान लो, मैं हूँ आर्यन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक बॉय। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को, मतलब कि जो आपका अकाउंट इंस्टाग्राम पर है, उसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसको आप बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर देना और इंस्टाग्राम रील्स आपको बनाना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इंस्टाग्राम रील्स बनाते हो तो बहुत लोगों को पसंद है कि वो इंस्टाग्राम रील्स देखना, मतलब कि शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं, जिसके कारण आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेगा और लोग आपको जानेंगे भी अगर आप फेस कैम वीडियो बनाते हो। तो इसके साथ तीन फायदे हैं, आपको ऊपर से पैसे भी मिलेंगे। पैसे आपको मिलेंगे इस तरह कि आप अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर दोगे और कोई भी कंपनी हो या फिर कोई भी कहीं का भी कंपनी हो या फिर कोई मोबाइल लॉन्चर हो या हेडफोन लॉन्चर हो, वो आपको मैसेज करेगा कि आप मेरे इस कंपनी को अपने इंस्टाग्राम रील्स में दिखाइए या आप अपने स्टोरी पर डाल दीजिए और हम आपको इतने हजार देंगे, इतने रुपए देंगे, तो आपके उससे पैसे भी लेंगे, ठीक है। अब इंस्टाग्राम रील्स बनाते कैसे हैं और दूसरों का साउंड यूज कैसे करते हैं, इसमें फिल्टर्स क्या क्या हैं और कैसे इसे बनाते हैं, ये बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मैं ऐसा ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको चले जाना है अपने इंस्टाग्राम पर। यहाँ पर मैं अपने इंस्टाग्राम पर चला जाता हूँ। तो आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम में जाना है और इंस्टाग्राम में जाने के बाद कुछ इस तरह ओपन होता है। तो आपको यहाँ पर नीचे दिखेगा, यहाँ पर मैं एरो बना देता हूँ, ये इस पर आपको टैप करना है, ठीक है। तो मैं टैप कर देता हूँ, ये टैप मैं टैप यहाँ पे कर दिया हूँ। और ऊपर आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा कैमरा का ऑप्शन, तो आपको कैमरे के ऑप्शन पर टैप कर देना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, जैसे ही मैं यहाँ पे टैप किया तो इस तरह कुछ मतलब कि आके खुल गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप इफ़ेक्ट्स ले सकते हो, किनारे जो हैं, तो ये इफ़ेक्ट्स हैं और उसके नीचे, उसके ऊपर ये है, आप म्यूज़िक को स्लो डाउन या स्लो अप कर सकते हो। और सबसे नीचे है टाइमर का ऑप्शन, आप टाइमर भी इसमें सेट कर सकते हो और आपको बना सकते हो। और यहाँ से आप म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हो, ब्राउज फीचर और फोर यू पर जो आ रहा है। तो इस तरह इसका है ये फीचर। और आप ये देखिए मैं यहाँ पे ऑन कर दिया और इसको आपको बस इस तरह घूमेगा और आपको आगे टैप करना है, ठीक है। तो आप आगे टैप कीजिएगा तो कुछ इस तरह का फिर ऑप्शन आएगा, देखिए। और यहाँ से आपको ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हैं या अपने स्टोरी पर भी लगा सकते हैं। और यहाँ से आप इसे शेयर कर दीजिएगा, आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप दूसरों का म्यूजिक कैसे यूज करोगे इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से अभी पीछे चले जाता हूँ सबसे, जैसे कि ये साउंड है, तो इस साउंड के सबसे नीचे जो चल रहा है उस पर आपको टैप करना है, ठीक है। जैसे ही आप टैप करोगे तो यूज़ ऑडियो का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको ऑडियो यूज़ करना है और टाइमर सेट करके आप बीच को दबा देना, ठीक है। बीच में जो है वीडियो का ऑप्शन, उसको आप दबा देना, जैसे मैं यहाँ दबा देता हूँ, ये हो रहा है और ये हो गया रिकॉर्ड। और आप इसे आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अपलोड